कमांगनी राम राम साहब, मेरी नाम कवर पलाड़ा से। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से गहलोत जी से कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ और उनसे अपील भी करना चाहती हूँ कि साहब, एक दफा आप कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण को आगे आना चाहिए और वहीं पे आप ही की पार्टी के एमएलए साहब हैं जो रामनिवास जी गावड़िया जी, उन्होंने राजनीति की दृष्टता के चलते मुझे निलंबित कर दिया है क्योंकि मैं और मेरे पति विजय सिंह पलाड़ा बीजेपी कार्यकर्ता हैं, हम बीजेपी पार्टी से हैं और उन्होंने आज पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। मुझे मेरा काम, मैंने अभी तक पंचायती समिति से काम न तो अभी तक स्टार्ट हुआ ना कोई मीटिंग हुई है, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा निलंबन निकाल दिया है। उन्होंने गांव में इलेक्शंस के टाइम भी आके हरिराम जी के पक्ष में जब वो आए थे सपोर्ट करने के लिए, तब भी उन्होंने आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी थी और उल्टी सीधी घोषणाएं भी कर दी थी। यहां तक कि उन्होंने मेरे गांव में आके जातिवाद भी फैला दिया। और मैं गावड़िया जी से पूछना चाहती हूँ, एमएलए साहब से पूछना चाहती हूँ, गावड़िया जी आप एक बात बताइए, ये जो इलेक्शन प्रतिक्रिया होती है ये हमें जनता चुनती है, वी बोथ आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। जब जनता हमें चुनती है, आज तक ना तो कोई एक जाति विशेष से ना तो कोई मंत्री बना है, ना कोई एमपी बना है, ना कोई एमएलए बना है। जब सब समाज, सब जाति के लोग साथ होते हैं तब जाके हम एक पोजीशन पाते हैं और ये पोजीशन गांव की जनता की सेवा के लिए होती है, ना कि भ्रष्टाचार फैलाने के लिए होती है। आप अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको क्यों आज एक महिला सरपंच से इतनी इनसिक्योरिटी हुई, एक महिला सरपंच से आपको इतनी इनसिक्योरिटी हुई, आप एक एमएलए है कि आपने मुझे बिना काम करे ही निलंबित कर दिया। आप मुझे मेरे काम के लिए निलंबित करते थे, कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन तो होता कि मैंने शायद काम गलत किया। आपने एक ही तरफा आपके द्वारा आपने टीचर्स को मोहरा बनाया, पहली बात। दूसरा, फिर आपने कुछ लड़के भेजे मुझे डराने धमकाने के लिए। आप एक एमएलए है, आपको ये शोभा नहीं देता है, आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आपने आज तक आके पलाड़ा में देखा जनता को क्या दिक्कत है, क्या करना है, क्या विकास करना है, आपने वो तो नहीं देखा। आज आपने आके माहौल जरूर खराब कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये निलंबित सही है, क्या ये कार्रवाई सही है? एक पोजीशन का गलत फायदा उठा के आपने एक महिला सरपंच को निलंबित कर दिया। मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि एक तो शांति का माहौल बना के रखें और हम सब सरकार से न्याय की अपील करते हैं कि हमें न्याय जरूर मिले।